दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नया वीडियो, एक नया आइडिया, एक नया रोज़गार के साथ। दोस्तों आप ये बोर्ड देख के तो समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, चलते चलते बात करके बताता हूँ। मैं अभी आ चुका हूँ गुजरात के सूरत शहर में। सूरत में आपको मैं आपको विजिट करने वाला हूँ, एक बेहद ही अनोखी कंपनी में आपको दिखाने वाला हूँ, अनोखी मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपको लाइव लेके आया हूँ। बहुत सारी मशीनें आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कौन सी मशीन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी कंपनी के ऑफिस में चलते हैं, यहाँ के ऑनर से मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और आपको पूरा डिटेल बताते हैं। आ जाइए मेरे साथ अंदर। ये ऑनर है कंपनी के, शुद्धता इंटरप्राइजेज के ऑनर। नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। मैं बिहार के वैशाली ज़िले से, पटना से चल के मैं आया हूँ आपके पास। मुझे पता चला कि आप ऑयल मिल की मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यस सर, मैन्युफैक्चरिंग करते, सही बात है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आए हैं लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से नहीं थे। ना ना, हम पूरा यहाँ पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पूरा फैक्ट्री हम आपको, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम है विरल देसाई, मैं शुद्धता एंटरप्राइज के ऑनर हूँ। ठीक है, हम सिर्फ ऑयल मशीन और ऑयल फिल्टर मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऑयल मशीन तो आपने कहा, ऑयल फिल्टर मशीन आपने क्यों कहा? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऐसा ला रहे हैं कि जो फिल्टर मशीन तो आती है तेल के साथ, ठीक है, पर हम ऐसी छोटी कॉम्पैक्ट मशीन लेके आए हैं कि आप दो जैसे छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई लोग, ठीक है, तो उसके पास फिल्टर मशीन जब ले परचेस करने जाते हैं तो काफ़ी बड़ी मात्रा, बड़ी बड़ी फिल्टर होती है। बिल्कुल, मतलब 70-80 हज़ार का मशीन होता है और फिल्टर की कॉस्ट भी 70-80 हज़ार तक आ जाती है। हम ऐसी छोटी प्लेट वाली, ना कि वैक्यूम वाली, प्लेट वाली छोटी सी, कस्टमर को 30 हज़ार में आसानी से कम रेट में मिल जाए, ऐसे रेट में हम ऑयल मशीन लेके, ऑयल फिल्टर मशीन लेके आए। तो वो सक्सेसफुल है अभी? हाँ, पूरी सक्सेसफुल है और उसको आप 24 आवर्स तक ऑपरेट कर सकते हैं। हमारी जितनी कमर्शियल मशीन है उस सबको आप 24 आवर्स यूज़ कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड मोटर यूज़ करते हैं गोदरेज कंपनी की, ठीक है, और कस्टमर की अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो गोदरेज की जगह पर हम क्रॉम्पटन या हेवल्स या कोई भी जैसे नेशनल कंपनी, जो अच्छी कंपनी हो जो मोटर की, हम मशीन वो मोटर हम यूज़ करते हैं। चलते चलते सर आपकी फैक्ट्री में बात करें। ठीक है सर, आइए सर, तो आपको हम विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं चलते चलते। ये हमारी सबसे छोटी मशीन है, 400 वाट की। 400 वाट की मशीन? हाँ, 400 वाट की। 400 वाट अगर कहते हैं सर, उसमें हम कैसे मतलब लोग समझे, लोग वाट में नहीं समझते। हाँ हाँ, प्रोडक्शन में समझ, प्रोडक्शन में समझ। ये होम यूज मशीन है जी, ये 2 से 3 kg तक की का, छोटा सा किसी का छोटा फैमिली हो तो उसके यूज के लिए मशीन बनाई है। डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए है ये। 2 से 3 kg पर आवर इसकी क्रशिंग कैपेसिटी है दाने की, ठीक है। ये 400 वाट की इसको इसलिए बोलते हैं, इसमें मोटर और हीटर के वाट मिला के 400 वाट होता है। तो चलिए, वो मिनिमम हो गया आपके पास, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम क्या रहेगा सर? इसके बाद आती है मेरे पास 600 वाट की मशीन, 600 वाट की, उसकी कैपेसिटी 3 से 5 है। 5, ये भी होम यूज ही है जी, ठीक है, होम यूज के लिए ये मशीनें हैं। फिर एक कोकोनट कटर मशीन है, ये कोकोनट, ये एक कोकोनट कटर इसलिए हम रखते हैं साथ में कि जैसे बड़ी मशीन होती है कमर्शियल मशीन में, उसमें पूरा साबुत नारियल नहीं चलता है। बिल्कुल, ठीक है, तो उसके लिए उससे छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। अगर हाथ से करने जाएंगे तो काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े, या तो कोई छोटा कोई बड़ा है, इसलिए टाइम भी काफ़ी लगेगा, टाइम भी काफ़ी लगेगा, तो हार्ड भी रहता है, तो उसके लिए कोकोनट कटर है। इसमें अभी मैं आपको बाद में उसका डेमो भी दिखाता हूँ, इसका डेमो भी हम कर लेंगे बाद में जी। फिर ये 4200 वाट की मशीन है, ये मेरी सबसे बड़ी अब तक की मशीन है। इसकी कैपेसिटी है 35-40 kg/h, 40 kg/h की कैपेसिटी है। हाँ, क्रशिंग कैपेसिटी इसकी है। इसमें ये चीज़ क्या है सर? सर ये ऑयल फिल्टर मशीन है। अच्छा। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अच्छा। हाँ, ये ऑयल फिल्टर है, छोटी सी कॉम्पैक्ट, ये मशीन के नीचे रह जाएगी और ये मशीन के साथ आएगी। अच्छा, ये फिल्टर मशीन है। तो सर पहले क्या होता था, जो बोल्ट वाली मशीनें आती थी ऑयल मिल की मशीन है, वो एक तो बहुत बड़ी होती थी, हेवी भी बहुत ज़्यादा होती थी, जो कि स्पेस बहुत ज़्यादा कैरी करती थी। हाँ, स्पेस, और मुश्किल भी होता था कहीं ना कहीं चलाने में। तो आपने ये जो नया वर्जन लेके आया है अभी लोगों के पास, लोगों के बहुत लोगों को जानकारी नहीं पहले बेसिकली इस मशीन के बारे में, तो ये मशीन कितनी सक्सेसफुल है? सर 100% सक्सेसफुल है। दूसरी, ये साउंडलेस है, ठीक है, ना इसमें कोई बॉयलर या कोई ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ती है। अगर इकट्ठी है 3-4 मशीन भी हो तो अकेला बंदा इसको ऑपरेट कर सकता है। छोटी करने की दुकान हो या कोई ऐसा छोटा बिजनेस हो,
जो अपनी करियाने की दुकान लेके बैठे हो और उसको अगर साइड में अगर किसी का ऑयल का निकाल के तेल बेचना है बिल्कुल, तो ये साइड में कोई आके खरीद लेगा कोई उसके पास से दाना, वो ऊपर में डाल देगा, तुरंत तेल निकल जाएगा, सेम टाइम फिल्टर हो जाएगी मशीन पूरी। या फिर जो पल्वराइजर या फ्लोर मिल लगा रखा हो घर पे, वो भी अपना साइड में लगा के जो हाँ साइड में लगा के बिजनेस करके जो कस्टमर को देते हैं वो साथ में तेल की भी कर सकते, ये बिल्कुल शुद्ध तेल होगा। हाँ शुद्ध तेल होगा, क्योंकि अभी बाजार में जो मिल रहा है वो मिलावटी तेल मिल रहा है, ठीक है। दूसरा कि वो ये सिंगल फिल्टर डबल फिल्टर कह के कई लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये डबल फिल्टर भी हो चाहे तो कस्टमर डबल फिल्टर दो कर सकता है और नज़र के सामने आंखों के सामने ऑयल फिल्टर रहेगा। अच्छा सर, बोल्ट वाली में पहले होता था कि उसमें दो या से तीन बार क्रशिंग करना होता, क्रशिंग करना पड़ता है, अभी इसमें भी सेम सिस्टम? ना 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 सर, इसमें एक ही बार में आप क्रशिंग कर सकते हैं, जैसे एक ही बार दाना डालेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही पूरा तेल निकल जाएगा, दोबारा उसको डालने की जरूरत नहीं है सर। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक ही बार में आपको सारा का सारा तेल निकाल करके देगा देगा, जितना टाइम वो कंज्यूम करता है बड़ी वाली मशीन दो तीन बार में, मुझे लगता है सेम प्रोडक्शन उतना टाइम में ये भी निकाल के ही देता है। हाँ, उसमें दो से तीन बार करना होता था। हाँ, हाँ, इसमें हाँ, एक ही बार में करके निकाल लेते हैं। मतलब समझे ना, अगर उसमें तीन बार करना रहेगा तो 120 केजी का जो कैपेसिटी होगा वो ये 40 केजी में कर देगी, होगा करके दे देगा। हाँ, तो ये रहेगा, आपको टाइम सेविंग भी है और आपको स्पेस भी बहुत कम लेगा, घर के किसी कोने में दुकान के किसी कोने में आप लगा करके शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। और सर छोड़, आप फैक्ट्री टूर करना चाहिए, श्योर श्योर में दिखा चल के दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को भी लगना चाहिए कि ये हम डीलर के यहाँ से नहीं दिखा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। ये सर बड़ी मशीन है, पैकिंग हो रही है, पूरी वुडन पैकिंग करके देते हैं हम। तो ये डिस्पैच के लिए रेडी है? हाँ, ये डिस्पैच के लिए रेडी है। चलिए, पीछे भी वर्कर लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तुम ले ऊपर भैया जाओ। ये पूरा टेस्टिंग यूनिट है। अच्छा, ये टेस्टिंग यूनिट? हाँ, ये पूरा यहाँ से मशीन रखते हैं, रुके मैं दिखा रहा, यहाँ पूरी मशीन रख के यहाँ से ऑयल हम निकाल के दिखाते हैं, मतलब देख लेते हैं। जब भी कोई मशीन हमारे यहाँ से डिस्पैच होती है तो उसकी हम पहले ट्रायल लेते हैं, ट्रायल लेने के बाद हम इसकी पैकेजिंग करते हैं, अगर कोई इशू रहेगा तो सेम उसी टाइम पे यहाँ पे ही सोल्व हो जाएगा। सोल्व करके ही बेचते हैं? हाँ, पूरा एकदम R&D करके, रिसर्च करके, आपको चला करके ही तब यहाँ से भेजा जाता है। ये बड़ी बात सर आपने करी, बड़ी बात आपने बताई। इधर भी सर, ये क्या कौन सी मशीन है? ये सर जो होम यूज मशीन है सारी। अच्छा, वही सारी मशीन? हाँ, है सारी, अभी ये सब फिटिंग हो रही है, फिटिंग होने के बाद प्रोसेसिंग में है अभी। हाँ, टेस्टिंग करने के बाद अभी वो सेल के लिए जाएगी। यहाँ पे क्या काम चलता है? ये भाई साहब वायरिंग करते हैं सारी मशीनों के। अच्छा, सारी मशीनों में वायरिंग यहाँ पे होती है। चलिए, और आगे हम देखते हैं। ये फिटिंग एरिया है, ये फिटिंग एरिया है। उधर भी कुछ वाइंडिंग वगैरह चल रहा है? हाँ, वहाँ भी मोटर की फिटिंग्स वगैरह होती है। मतलब सारा एरिया में यहीं यहाँ पे देखते हैं, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं फिटिंग हो रही है, कहीं असेंबलिंग हो रही है, सब कुछ आपको इन हाउस प्रोडक्शन आपको मिलने वाला है। बस तो मोटर गोदरेज की रहेगी सर? हाँ, कमर्शियल सारी मशीन रहेगी, उसमें गोदरेज की मोटर रहेगी, और जो छोटी मशीन आती है होम यूज, वहाँ हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मोटर को। अच्छा, मोटर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? डोमेस्टिक के लिए? डोमेस्टिक के लिए। उसका सक्सेस है वो? हाँ, वो सक्सेस है, हम 7 साल से सेल कर रहे हैं। 7 साल से है आपके यूनिट में? आपकी कोई गारंटी वारंटी भी रहती है? हाँ, 1 साल की वारंटी रहती है पूरी मशीन की। 1 साल की वारंटी रहती है सर, मान लीजिए जैसे अभी हम गुजरात शहर में, गुजरात में सूरत में है, दूर दराज की लगे, जैसे बिहार के गांव के लोग लेते हैं, अगर आपसे संपर्क करते हैं, यूपी के, झारखंड के, कहीं से लेते हैं, फिर वो अगर डिफेक्ट आते हैं तो वो यहाँ तक नहीं आ सकते? हाँ, सही है सर। जैसे सर कमर्शियल मशीन होती है, इसमें मोटर वगैरह में दिक्कत आती है, तो हम गोदरेज की यूज करते हैं, तो वो वहाँ सर्विस दे देते हैं, कंपनी वाले जाके देते हैं सर? हाँ, कंपनी वाले जाके देते हैं, अगर वो नहीं भी देते तो हम यहाँ से अरेंज करवाते हैं। वहाँ आप अरेंज करवाते हैं? अरेंज करवाते हैं। बस यही चीज़ है कि आपको अगर कहीं कोई सर्विसिंग में भी फॉल्ट आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप पहले तो मुझे लगता है वीडियो कॉल पे समझाते होंगे? हाँ, पहले वीडियो कॉल पे समझाते, अगर कस्टमर बोलता है कि हाँ ये स्पेयर पार्ट मैं अकेले चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम उसको स्पेयर पार्ट भेज देते हैं, जब वो चेंज करने के बाद वो मुझे वापसी कर देते हैं स्पेयर पार्ट की। ओके। अगर कोई कस्टमर ऐसा हो जो कि भाई नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हम उसको यहाँ से बंदे को भेजते हैं, ठीक है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 दिन का, बस आने जाने में भी, आने जाने जो है वो समय तो लगेगा ही लगेगा। बाकी सर्विसिंग में पूरा सपोर्टेड आप हैं? हाँ, पूरा सपोर्टेड मिलेगा, पूरा सपोर्ट करते हैं। कितने सीट का उसमें तेल निकल सकता है? जिस दाने में सर तेल रहेगा ना, वो सभी चीज़ का तेल निकलेगा, चाहे मूंगफली, तिल, बादाम, सरसों, सोयाबीन, कलौंजी, कुछ भी
सब निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा एक ही बार में, एक ही बार में निकल जाएगा सर। चलिए इसका भी टेस्टिंग हम आपको आगे वीडियो में करके दिखाएंगे। जितना ये कह रहे हैं उतना इनकी मशीनों का कैपेसिटी है कि नहीं, उतना डिफरेंट डिफरेंट सीड्स का ऑयल निकाल के दिखाते हैं कि नहीं। दोस्तों मैं आपको कुछ सीड के ऑयल निकला हुआ दिखाना चाहूँगा कि इन सारी मशीनों से कैसी तेल, कैसे तेल निकलते, किस प्रकार के रहते हैं, कितना फिल्टर्ड रहता है। सर जरा सा तेल के बारे में बताया, कौन कौन सा तेल है, कैसे निकलता है सर, ये जरा दिखाओ। आइए सर। सर ये पीली सरसों का है, ये पीली सरसों का तेल है। हाँ ओके ठीक है। ये मूंगफली का है, मूंगफली का है ठीक है। इसमें सनफ्लावर का है, नारियल का है, ये ब्लैक आपकी ब्लैक मस्टर्ड, ब्लैक सरसों मतलब की काली वाली, काली सरसों की तेल है, काली सरसों की है ओके। और लास्ट में ना वो करड़ी है, कलौंजी, सॉरी कलौंजी की, कलौंजी की है। हाँ ऐसी तेल आपको निकलेंगे दोस्तों, ऐसा मतलब क्वालिटी आपको मिल जाएगा। एक ही बार का है ना सर ये? हाँ सर एक ही बार में निकला हुआ, एक ही बार में निकला हुआ। वो तो सर अभी आपको मैं दिखाऊंगा ना कि एक ही बार में कैसे तेल निकलेगा, आगे हम दिखाएंगे आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे मशीन चलाकर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा। बहुत सारी मशीनें और सारी मशीनों में सारे सीड का हम निकाल कर दिखाने वाले हैं। चैनल पे आप बने रहें हमारे, आप जल्द ही अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तेल निकाला जाता है, किस किस सीड का इसमें तेल निकल सकता है और एक बार में निकलेगा या दो बार में निकलेगा, सारा कुछ आपको हम दिखाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।